अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के हवाले से, उसके साथ साथ आपके साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूँगा सारी अपडेट्स जो और ब्लॉग से आप तक पहुँच सके। सेवरन, जो आज की वीडियो आपके साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी और गुड न्यूज़ शेयर करनी है उन तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई करने लगे और जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया हुआ है। सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए और आगे फर्दर जितने भी इनटेक्स आएंगे उन तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवरन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आप सबको पता है कि जब कोविड की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्री में नहीं आ सकते थे और बहुत कम वीज़ा चांसेस थे, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे अपनी अपनी कंट्री में, उन्होंने मतलब सारा जो उनका वीज़ा था वो उनका टाइम उधर ही लग गया और उसके बाद वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। और उसके बाद आपको पता है कि 2022 से लेके जब बॉर्डर्स ओपन हुए उसके बाद से लेके 2023 मार्च 1 तक मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अराउंड तकरीबन जो इमिग्रेशन थी उन्होंने तकरीबन 71,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए। तो इसका रेशो देखा जाए तो पास्ट ईयर्स में उन्होंने 45,000-50,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए, लेकिन दिस ईयर इन्होंने ये किया कि इन्होंने अराउंड 71,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए, तो सबसे ज़्यादा वीज़ा दिए गए हैं। और उसके बाद ये मैं आपको बताना चाहता है कि 1 मार्च 2023 तक 71,000 वीज़ास बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रांट हुए और उसके बाद बाकी ऐसा हुआ कि और बहुत सारे जो रिफ्यूज़ल थे वो 2023 से बहुत सारे रिफ्यूज़ल भी आना स्टार्ट हुए 1 मार्च तक, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जिनका रिफ्यूज़ल भी आया था मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब अपने वीज़ा जो स्लिप थी उन्होंने मुझे सेंड किया कि भाई ये देखें हमारे इमिग्रेशन ये एक्ट लग चुका है, ये एक्ट लग चुका है, तो हमारा वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मतलब इस चीज़ पर चले गए थे कि भाई किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर थे, हर चीज़ क्लियर थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब मैंने उसमें देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गैप था उसमें और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका जो है वो क्या नाम है उनका जो उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में भी मसला था और उसके बाद बाकी जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे उसमें थे, तो इस वजह से उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया था। देखिए अभी मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर करने लगा था इसमें कि अभी इन्होंने इमिग्रेशन ने ये न्यूज़ दी है कि 2 मार्च से ऑनवर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अभी अप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा चांसेस और वीज़ा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने अभी एक आने वाले टाइम में एक न्यू एक्ट इन्होंने ये निकाला है कि ऑटोग्राफ इन्होंने कर दिया है, कि मतलब ऑटोग्राफ का ये मतलब है कि अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टाइम में वीज़ा दिए जाएंगे। और वो इस तरीके से होगा कि कपल ऑफ मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है, अब देखें ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक इमिग्रेशन में उधर बैठ के कैसे चेक कर सकते हैं इतनी जल्दी 10 मिनट्स में मतलब सेकंड्सों में भी मतलब स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये इन्होंने अभी एक कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च करेंगे आगे आने वाले टाइम में अभी, क्योंकि इन्होंने ऑटोग्राफ कर देंगे उसको कि मतलब ये कंप्यूटर वाइज सारी चीज़ें चेक होंगी, जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो आगे उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारी चीज़ें होंगी वो अब एक कंप्यूटर सिस्टम चेक करेगा और सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए जाएंगे उसमें। तो देखिए अभी इन्होंने किन स्टूडेंट्स को ये ऑटोग्राफ वगैरह सिस्टम दिया जाएगा, तो ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिनका मतलब डायरेक्ट 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, मतलब जिनका बिटवीन दिस जिनका कोई गैप नहीं होगा, जो कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे उनके लिए सिस्टम है। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है उनके लिए होगा जिनका कोई बीच में गैप नहीं होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, 12th के बाद जो अप्लाई करेंगे और जिनका कोई बीच में गैप नहीं होगा, अगर आपको 5 मंथ्स का भी गैप होगा तो ये आपको नहीं मिल सकता इस तरीके से। और उसके बाद बाकी आपको 3rd नंबर पर आ जाते हैं जो कि हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स। तो देखिए फाइनेंशियली का ये मतलब है कि देखिए आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर मेंशन करते हैं कि हमें मतलब बैक से कोई सपोर्ट कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं, ब्रदर एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है। तो जिनके फाइनेंशियल जो है वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे, जिनके फाइनेंशियल जितना हाई होगा उनके उतने ही चांसेस होंगे वीज़ा आने के, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जुलाई इनटेक में और उसके बाद फर्दर इनटेक्स में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाएंगे। अब ये किन वजह से देखे आपको मैं प्रूव भी देता हूँ उसमें। सबसे पहले देखे इन्होंने बैचलर्स के लिए ये बताया था कि ये वर्क परमिट इनको दिया जाएगा 2 ईयर्स का पहले जिस तरीके से मिलता था, लेकिन अभी देखे इनको 3 और 4 ईयर्स का मिल रहा है। और अब मास्टर्स के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया कि मास्टर्स के लिए इनको जिस तरीके से पहले 3 ईयर्स का मिलता था अब इन्होंने 5 ईयर्स तक कर दिए वर्क परमिट, और पीएचडी वालों के लिए भी 6 ईयर्स तक कर दिए।
और इसके बाद बाकी आने वाले टाइम में अभी इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो वर्कर शॉर्टेज की वजह से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देंगे, और उसके बाद बाकी जो इनके आने वाले टाइम में जिस तरीके से पीआर के बहुत ज़्यादातर फाइल्स लगती थी परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत कम मतलब एक्सेप्ट होती थी, और उसमें फिर बाकी बहुत स्ट्रगल्स करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, फिर कहीं ना कहीं 5-6-7 साल बाद उनको फिर इस तरीके से मिल जाता पीआर। लेकिन अभी इन्होंने ये किया है कि हम आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आगे फर्दर जो ऑस्ट्रेलिया के रूल्स हैं रेगुलेशन है उसको फॉलो करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीआर भी दिया जाएगा। और उसके बाद बाकी इन्होंने ये भी इसमें बिटवीन दिस ये भी डिसाइड किया है कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके फाइनेंशियली जो आगे मतलब डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो गए तो उनको मतलब वीज़ा दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिए कि इन चीज़ों में आपको वीज़ा मिल सकता है। और उसके बाद बाकी जो इन्होंने मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई है कि आगे जो जुलाई इनटेक आ रहा है, जुलाई इनटेक में मैं सबसे पहले आप उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो कि डॉक्यूमेंट्स फाइल सबमिट करेंगे, अगर जिनका ज़्यादा गैप है ये मैं आपको बता दूँ, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ज़्यादा गैप वालों को मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कम चांसेस है वीज़ा आने के। और उसके बाद बाकी जो डिप्लोमा के बारे में पूछ रहे थे, डिप्लोमा के बारे में देखें, अगर आप लोग कोई एक अच्छा मतलब जो पीआर कोर्स में भी सॉरी आगे मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के है, और उसके बाद बाकी जो एक मतलब एक अच्छा कोर्स हो जिसमें आपको पता लग सके कि इसमें हम मतलब आगे जा सकते हैं, तो उसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं कॉलेजेस में या आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वीज़ा भी आ सकता है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर यह बताया है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं ताकि बहुत सारे जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वेल हो सके। और उसके बाद बाकी जितने भी हमारे वर्कर शॉर्टेज है और बाकी जितने भी इनके कुछ जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सारे इसमें कवर हो सके। तो इस वजह से इन्होंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 मार्च 2023 से आगे इन्होंने ऑटोग्राफ वगैरह सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका कोई गैप नहीं होगा और जिनके बाद इनको मतलब गैप के साथ जिनका कोई भी मतलब फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको पता है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फीस वगैरह सारे ये कौन सबमिट कर गए तब होंगे जब आपके फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होंगे, ताकि उनको पता लग सके जो इमिग्रेशन में आपके जो फाइल्स सेट करेंगे और जो चेक करेंगे उसको, और जो आगे ऑटोग्राफ वगैरह सिस्टम भी जो चेक करेगा उसमें सारी मतलब ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो स्टूडेंट हमारी कंट्री में आ रहा है इसका जितना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उसके साथ साथ इसका कोई भी गैप नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ बस एक शॉर्ट अपडेट शेयर करनी थी, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता था, मैंने अभी 2-3 डेज पहले ही देखी तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी इस चीज़ पर नर्वस है कि अभी हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे और किस तरीके से हम फाइल सबमिट करेंगे और हमारे चांसेस कितने होंगे, तो चांसेस मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कोई भी गैप नहीं होगा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे तो इंशाल्लाह चांसेस 90% चांसेस हैं आपके वीज़ा आने के, क्योंकि अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ये मैं आपके साथ एक शॉर्ट अपडेट मैंने शेयर करनी थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरीके से अपडेट्स शेयर करता रहूं, और उसके साथ साथ आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर कर रहा हूं, सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके और व्लॉग्स भी। सो मैं जाता चाहता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।